सब्सक्राइब कीजिए रेवन राइड को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले मोटो वीडियोस देखने के लिए। साल 2019 के शुरुआत ही के साथ बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी एक नया रेवोल्यूशन आ गया है। कल ही मैंने रिपोर्ट किया था कि बजाज अपने न्यू एडिशंस के पल्सर में ABS ऑप्शन के साथ बाइक को लॉन्च करने वाली है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यामाहा R15 V3 डुअल चैनल ABS जो कि यामाहा ने कल ही लॉन्च कर दी है और साथ ही साथ एक सरप्राइज सा दे दिया है बिकॉज इस बाइक में हमें नॉट सिंगल चैनल बल्कि डुअल चैनल ABS देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल शॉकिंग है। बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि इस बाइक में सिंगल चैनल ABS होगी या डुअल चैनल ABS होगी, बट यामाहा ने फाइनली ऑफिशियली रिवील कर दिया है, लॉन्च कर दिया है अपना नया वेरिएंट जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आता है R15 वर्जन 3 का। और भी इस बाइक में बहुत सारे कुछ चीज़ें चेंज किए गई हैं जो कि हल्के फुल्के चेंजेस है। स्लिपर क्लच इस बाइक में ऐड कर दिया गया है जो कि एक और ज़्यादा न्यू फीचर सा है जो कि बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा यामाहा ने इस बाइक में डुअल चैनल ABS दे करके मार्केट को बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव बना दिया है। तो गाइज़ यामाहा ने इस बाइक को डुअल चैनल ABS के साथ लॉन्च किया है और अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात की जाए तो मैं पर्सनली डुअल चैनल ABS को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर द सिंगल चैनल ABS, क्योंकि डुअल चैनल होने की वजह से बाइक बहुत ही ज़्यादा सेफ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग और अभी के जो नए जनरेशन के राइडर्स हैं उनके लिए और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है। यामाहा ने इस बाइक में डुअल चैनल ABS डाल करके उन राइडर्स का ख्याल रखा है जो कि थोड़े हार्श राइडिंग करते हैं और थोड़े हाईवे वगैरह पे ज़्यादा गाड़ी को भगाते हैं। डुअल चैनल ABS होने की वजह से जो है बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इन द टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। और गाइज साथ ही मैं बता दूं कि यामाहा ने इस बाइक का मैट ब्लैक वेरिएंट लॉन्च किया है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ अलग अलग कलर्स भी यामाहा धीरे धीरे इस बाइक का लॉन्च करेगी जो जिसमें यामाहा का सिग्नेचर कलर ब्लू है और साथ ही साथ उसका जो ग्रे और रेड कलर का एक बहुत ही कूल सा कलर है उस कलर वेरिएंट को भी यामाहा लॉन्च करने वाली है। बात करें इस बाइक के प्राइस की तो इस बाइक की प्राइस 1,48,000 मोर और लेस अक्रॉस द इंडिया एक शोरूम प्राइस होने वाली है। फ्रेंड्स ये बाइक की प्राइस मुझे अभी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मगर इस बाइक के फीचर्स को अगर देखा जाए और इस बाइक का लुक और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से हम राइडर्स ज़्यादा नहीं वैल्यू करते हैं उस वक्त एट द टाइम ऑफ परचेज, बट बाइक बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और गाइस मैं बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी इस बाइक का एक फुल वॉक अराउंड लेकर आने वाला हूं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तब तक के लिए लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज गियर अप।